हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। तो फ्रेंड्स, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश की आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम आर्टिकल करने वाले हैं, या फिर मैं बोलूँ ऐसे करने वाले हैं माय हॉबी का, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। अपने फ्रेंड्स का जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आपको पूरा छाप के इसी में से आना है। बहुत ही ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने वाला हूँ और आपके मार्क्स पक्के हो जाएंगे बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन क्या है, देखो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या है, हॉबी। हॉबी का मतलब आपको, माई हॉबी का मतलब क्या है, मेरी आदतें, है ना, मेरी आदत। तो हॉबी, हॉबी इज़ एन एक्टिविटी विच वी डू इन आर फ्री टाइम। तो हॉबी हमारी जो आदत होती है वो क्या होती है, एक्टिविटी होती है, जिसको हम क्या करते हैं, फ्री टाइम में करते हैं, अपने फ्री टाइम में करते हैं, है ना। जैसे आप सोचो आपका आपका क्या गाना है, सिंगिंग है, तो आप जब फ्री होते हैं तो बैठे बैठे गाना गाते हैं, ठीक है। आपका मन, अगर आप पेंटिंग करते हो तो आपका फ्री टाइम में पेंटिंग करोगे, तो वो आपकी क्या होती है, आदतें, हॉबी होती है। हॉबीज़ प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आर लाइफ्स। हॉबीज़ जो होती हैं, मतलब आदतें जो होती हैं, वो हमारी ज़िंदगी में एक बहुत अहम रोल अदा करती हैं, ठीक है। दे रिलैक्स आर माइंड्स। भाई हमारी हॉबी जो होती है, हमें फेवरेट है, तो अगर हम अपनी फेवरेट चीज़ करेंगे तो हमारे माइंड को रिलैक्स ही तो करेंगी। तो दे रिलैक्स आर माइंड्स एंड मेक अस हैप्पी। तो हमें क्या करती हैं, खुश करती हैं, जो हमारी आदतें होती हैं। दे ब्रिंग अस अवे फ्रॉम स्ट्रेस फॉर सम टाइम। दे ब्रिंग अस अवे, यानी कि वो जो आदतें होती हैं हमारी, जिन्हें हमें अच्छा लगता है करने के लिए, वो हमें क्या ले जाती हैं, हमें दूर ले जाती हैं हमारे स्ट्रेस से कुछ समय के लिए, ठीक है, कुछ समय के लिए। तो अस अवे फ्रॉम स्ट्रेस फॉर सम टाइम एंड वी जस्ट फॉरगेट ऑल द वरीज। और हम सब कुछ भूल जाते हैं, अपनी सारी चिंताओं को भूल जाते हैं, जब अपनी आदतों में, यानी कि अपनी हॉबीज़ में घुस जाते हैं, एंटरटेनमेंट करने लग जाते हैं, ठीक है। दे मेक आर लाइव्स इंटरेस्टिंग एंड एन्जॉयबल। तो ये जो हमारी हॉबी होती हैं, ये हमारी लाइफ को क्या बनाती हैं, इंटरेस्टिंग बनाती हैं और एन्जॉयबल बनाती हैं। क्लियर है मेरी बात। आइए अब टाइप्स ऑफ हॉबीज़ पे चलते हैं। देखिए टाइप्स ऑफ हॉबीज़ क्या कहता है, टाइप्स ऑफ हॉबीज़ में डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज़। देखो आप देखेंगे जगह जगह, अपने फैमिली में देखो और चारों तरफ देखो, सबकी आदतें अलग अलग होती हैं, सबकी हॉबीज़ जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं। तो डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट हॉबीज़ अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट। उनका जैसा टेस्ट होता है ना, खाने का नहीं है, मतलब खाने का मतलब, इस टेस्ट का मतलब हो गया यहाँ पे उनका इंटरेस्ट, टेस्ट एंड इंटरेस्ट। सम ऑफ द हॉबीज़ आर रीडिंग। अब इसमें से सम ऑफ द हॉबीज़, यानी कि कुछ हॉबीज़ कौन सी होती हैं, रीडिंग होती है, पढ़ना, मतलब गार्डनिंग, यानी कि बहुतों को मतलब गार्डनिंग करना अच्छा लगता है, पौधों वौधों को मतलब, है ना, लगाना। स्टैम्प कलेक्टिंग, बहुत स्टैम्प कलेक्ट करते हैं। पेंटिंग हो गया, कुकिंग हो गया, फोटोग्राफी हो गया और ड्राइंग हो गया, ETC, ठीक है। तो ये हो गए टाइप्स ऑफ हॉबीज़। अब आइए आगे चलते हैं माई हॉबी पे, जो कि मेन बात है ना। पहले तो हमने इंट्रोडक्शन दे दिया, फिर हमने टाइप्स ऑफ हॉबीज़ बता दी, अब आइए हम चलते हैं माई हॉबी पे। तो देखिए माई हॉबी में हम देखेंगे सबसे पहले हमारी हॉबी क्या है। तो देखो वैसे तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, है ना, आपकी जो भी हॉबी है आप उसको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने जो अपनी हॉबी के बारे में बताया है इसमें आर्टिकल में, तो आप अगर वो लिखेंगे तो आपके लिए ईजी रहेगा, है ना। तो माई फेवरेट हॉबी इज़, मेरी फेवरेट हॉबी क्या है, ड्राॅइंग, इज़ ड्राॅइंग। आई ऑलवेज एन्जॉयड ड्राॅइंग When I have free time, मैं हमेशा drawing को enjoy करता हूँ जब when I have free time, जब मेरे पास समय होता है, free समय होता है ना। It has been with me since my childhood, ये मेरे साथ कब से है, जो drawing का मेरा है, जो मेरी hobby है, ये कब से है, childhood, यानी कि बचपन से। When I used to make random pictures, जब मैं क्या करता था, जब मैं रैंडम पिक्चर्स बनाया करता था, पोर्ट्रेट्स बनाया करता था विद कलर्स, है ना, रैंडमली, अचानक से, सडनली ऐसी बना लिया करता था, ठीक है। आई हैव पेंटेड ओवर 50 पोर्ट्रेट्स टिल नाउ, मैं अब तक कितने पोर्ट्रेट बना चुका हूँ ड्राइंग में, 50 पोर्ट्रेट, क्योंकि ये मेरी एक फेवरेट हॉबी है, ठीक है। पेंटिंग एंड ड्राइंग इज समथिंग दैट मेक्स मी फील काम एंड क्रिएटिव। पेंटिंग और ड्राइंग क्या है, ये कुछ ऐसा है जो मुझे फील कराता है काम, रिलैक्स, है ना, मुझे अच्छा हल्का अनुभव कराता है और क्रिएटिव, एक क्रिएटिव अनुभव कराता है। आई ऑल्सो पार्टिसिपेट इन वेरियस ड्राइंग कॉम्पिटिशन्स, मैंने बहुत सारे पार्टिसिपेट किया है बहुत सारे ड्राइंग कॉम्पिटिशन में, दैट आर हेल्ड इन माई स्कूल, जो मेरे स्कूल में हुए थे, फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय से मतलब समय से होते रहे थे, टाइम टू टाइम। आई एम एक्सट्रीमली थैंकफुल फॉर द स्किल्स दैट आई ऑलवेज विन रिवॉर्ड्स एंड अपलॉज फ्रॉम माई टीचर्स। तो मैं एक्सट्रीमली थैंकफुल, मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल, मतलब धन्यवाद करता हूँ फॉर द स्किल्स, अपनी उन स्किल्स के लिए, दैट आई ऑलवेज बिन रिवॉर्ड्स, जिसकी वजह से मैं क्या जीता हूँ, रिवॉर्ड्स जीता हूँ और अपलॉज यानी कि शाबाशी जीता हूँ अपने टीचर्स से, ठीक है। आई मेरी बात समझ में, तो देखा इतना ईजी हो रहा है, बस खत्म हो गया, लास्ट बचा है कंक्लूजन। अब कंक्लूजन क्या है, तो देखो,
हैविंग अ हॉबी दैट वी एन्जॉय डूइंग ब्रिंग अस पीस एंड जॉय. तो हैविंग अ हॉबी एक हॉबी होना दैट वी एन्जॉय, जिसको हम एन्जॉय करते हैं. डूइंग ब्रिंग अस पीस एंड जॉय, वो हमें क्या देती है, वो हमें पीस यानी कि शांति और आनंद देती है. फॉर मी इट इज़ ड्राइंग, मेरे लिए क्या है, ड्राइंग है. आई विश टू परस्यू ड्राइंग फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, मैं अपनी लाइफ में हमेशा ड्राइंग को ही चाहता हूँ पूरी ज़िंदगी भर. इट इज़ माई ड्रीम टू बिकम अ ट्रू आर्टिस्ट वन डे, ये मेरा सपना है कि मैं एक आर्टिस्ट बनूँ वन डे एक दिन. ठीक है, तो देखा आपने कितनी ईजी लैंग्वेज में हमने क्या समझ लिया, हमने अपने इसको माई हॉबी के आर्टिकल को समझ लिया. आई होप आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और फ्रेंड के साथ जल्दी फटाफट से शेयर कर दो, है ना. मिलते हैं बहुत जल्द ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय गाइज़.